ये जो चकली बनाने की ऑटोमेटिक मशीन है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। ये जो जैक्सन का ऑटोमेटिक चकली मशीन है, एक घंटे के अंदर 35 से 40 किलो चकली बना के देती है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है, सिर्फ गुथा हुआ जो आटा है वो डाल देगी ऑटोमेटिक। इस तरह से आप देख सकते हो चकली बन जाएगी, पूरा सिस्टम बताएंगे। ये उसका पैनल है दोस्तों, इस पैनल के अंदर हमने स्टार्ट स्टॉप इमरजेंसी सब कुछ देके रखा है। इसको सबसे पहले मशीन को स्टार्ट कर देना है, दोनों स्विच से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे होपर सिस्टम है, होपर के अंदर हम गुथा हुआ जो आटा है वो डाल देंगे, ऑटोमेटिक हमारी चकली रेडी हो जाएगी। हमारा एक्सट्रूडर मशीन है जहाँ से चकली बन के इस तरह से बाहर आती है। इसमें जो भी साइज से आप इसके अंदर बना सकते हो वो भी आपको माहिती देंगे, साइज किस तरह से चकली का छोटा बड़ा कर सकते हो। इस तरह से उसका सिंपली मुंह दबाने का रहता है आगे का, बाकी चकली कंप्लीट बनके गोल बनके आ जाती है। यहाँ पे आती है छोटी बड़ी जितना भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गोल हो जाएगी या फिर राउंड राउंड चकली हो जाएगी, वो राउंड राउंड करके आपको यहाँ से आगे का मुंह दबा के आगे का प्रोसेस कर देना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे पैनल में हमने स्पीड कंट्रोल दिया हुआ है, अगर स्पीड कम करोगे तो चकली छोटी होगी। अगर देखिए अभी बड़ी आ रही थी, अभी ये चकली छोटी होगी, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते। अभी ये चकली जो आ रही है वो अभी छोटी हो गई, देखिए अभी जैसे ही हम स्पीड इसका बढ़ाएंगे चकली बड़ी हो जाएंगी। ये जो मुरुख का जो साइज आता है अपने हिसाब से यहाँ से स्पीड कंट्रोल करके आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम स्पीड को बढ़ाएंगे और जिसका चकली का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए हमने स्पीड को बढ़ा दिया, अभी जो चकली का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपका पतला मोटा भी करना है तो डाइजेक्शन मशीन से मिल जाएगी। ऑटोमेटिक एक ही बंदा है मशीन को पूरी तरह से आराम से चला सकता है। और आप देखिए सारी की सारी चकली एक जैसी और एक साइज की आती है। आपने देखा पहले जो चकली आ रही थी वो छोटी आ रही थी, अभी बेल्ट का स्पीड बढ़ा दिया तो अभी चकली बड़ी आ रही है। मशीन के अंदर हमने दोनों का स्पीड कंट्रोल दिया, मतलब बेल्ट का भी स्पीड कंट्रोल दिया और स्क्रू का भी कंट्रोल दिया हुआ है, और मोटर का भी दिया हुआ है। इमरजेंसी स्विच है, दोनों ऑन ऑफ का स्विच है। आप पूरी मशीन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना चक्री छोटा बनाना कितना चक्री बड़ा बनाना सब कुछ आपके हाथ में, ये सब कंट्रोल कर सकते हो। ये मशीन में पूरा कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है दोस्तों। ये होपर है, इसमें सिंपली इस तरह से ऊपर से आटा ड्रॉप कर दोगे, पूरा मशीन ऑटोमेटिक वर्क करेगा, कुछ भी आदमी नहीं चाहिए। ये होपर सिस्टम है, इसके अंदर से जो हमने आटा डाल दिया है वो यहाँ से स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू से यहाँ पे प्रेस होगा और ये कटिंग रोलर लगाया हुआ है, कटिंग की मदद से यहाँ पे कटिंग होगा। जो भी साइज से वो कटिंग होने के बाद यहाँ पे राउंड राउंड हो जाएगी। बड़ा अगर आप कटोगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करोगे तो छोटा हो जाएगा। देखो ये अभी हमने थोड़ा छोटा कर दिया, चकली भी और छोटा चकली भी आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो एक ही आदमी पूरी मशीन को चला रहा है और सिंगल फेज मशीन है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, एकदम साइलेंट मशीन चलेगी। ये सिंगल नोजल वाली है, इसमें आपको डबल नोजल भी चाहिए तो जैक्सन मशीन से मिल जाए। इसमें चक्री अभी एक लाइन से आ रही है, इसमें दो लाइन वाला चक्री मशीन भी चाहिए तो आपको जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। आपको कोई भी कंट्री में चाहिए, इंडिया में चाहिए या इंडिया के बाहर भी चाहिए, देखो ये हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, यूएसए जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया यूएसए कनाडा अफ्रीका न्यूजीलैंड कोई भी कंट्री में चाहिए, हम आपको डिलीवरी कर देंगे आपके घर तक पहुंचाएंगे। या तो इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट में चाहिए, यूपी एमपी बिहार आंध्र तेलंगाना केरला तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश राजस्थान गुजरात में किसी भी जगह पे चाहिए, हम आपको डिलीवरी कर देंगे और कंप्लीट आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखा देंगे किस तरह से मशीन का वर्क करना क्या है, सब कुछ आपको गाइड कर देंगे। अगर आपका चकली का आटा थोड़ा हार्ड है तो आप इस तरह से गड्ढी करके भी इकट्ठा कर सकते हो, अगर इस तरह से गड्ढी करोगे तो टाइम भी आपका कम जाएगा। अगर आपका आटा सॉफ्ट है तो उठाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे चिपकने का डर रहता है, तो इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हो। छोटी सी मशीन है दोस्तों, आपको मशीन के अंदर कोई भी चेंज करना है, लंबाई घटाना है या बढ़ाना है तो खुद हम मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों, आप जैसा बोलोगे वैसा हम मशीन बना के आपको दे देंगे। तो दोस्तों आपको ये मशीन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो हमको बताइए। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमने स्क्रीन पर जो नंबर दिया वो नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी दोस्तों। अगर मशीन आपको चाहिए खरीदना है तो भी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। जैक्सन मशीन अहमदाबाद नवनी देसाई, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।